ऑल कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हों और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा टेडी भी हाई कर रहा है, से हाय, तो इसकी भी हाई ले लो। एंड आज है दशहरा, तो आई होप आप सब लोगों ने दशहरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो आज दशहरे पे मैंने सोचा एक अच्छी सी रेमेडी लेके आई जाए आप लोगों के लिए। सो गाइज, तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग सी होम रेमेडी जो आपके चेहरे पे लेके आएगी दुल्हन वाला ग्लो। अगर कोई ब्राइडल है वो प्री ब्राइडल नहीं लेना चाहती, पार्लर ज्यादा नहीं जाना चाहती है, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा सा नुस्खा लेके आई हूँ और वो बहुत अच्छा है। और सिर्फ दो चीजें यूज करनी है, वो भी डेली अपनी शादी से 3 महीने पहले, रेगुलर इन द इवनिंग बिफोर स्लीप। सो गाइज, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में ऐसे ही एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताती हूँ स्टार्ट किस चीज से करना है। जो भी इसको यूज करना चाहता है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर ले अच्छे से। तो चलो फेस को पहले क्लीन करते हैं, आगे की वीडियो थोड़ी देर में। हाथ पे ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं फेस को वॉश करने जा रही हूँ अच्छे से, फेस वॉश को हाथों पे रब करके। सो गाइस, फेस वॉश मैंने कर लिया है, अब इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। और अपनी फेस को ज्यादा हार्डली ना पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारे जो फेस की स्किन रहती है थोड़ी सेंसिटिव रहती है, तो इसलिए थोड़ा इस तरीके से हमको अपना फेस को जो है साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए। तो चलो अब करते हैं अपनी रेमेडी। गाइस, आप देख सकते हो मेरा चेहरा एकदम क्लीन हो गया है, मैंने एकदम फेस वॉश कर लिया अच्छे से, मैंने उसको पोंछ लिया है। तो अब रेमेडी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रेमेडी में इंग्रेडिएंट है वो है हमारे लिए कॉफी। तो किस किस को कॉफी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले कॉफी ही ऑर्डर करती हूँ। तो कॉफी में जो होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा चेहरा एकदम डल दिखने लगता है और एज लगने लगता है। कम ही एज में 20 के होते हैं, आजकल तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंटी एजिंग की, एंड एक्ने की प्रॉब्लम एंड टैनिंग हो जाती है फेस पे। तो कॉफी उन सब चीजों को तो रिमूव कर देती है, और ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे आई होप। एंड दूसरी है दही, कर्ड, योगर्ट, आप जो चाहे वो कह लो, इसके 2-3 नाम है। और वैसे ही 2-3 की तरह उसकी डबल इसके फायदे हैं, 6-7-8-10 जितने फायदे में बोलूं। आप दही खाते हैं तो भी फायदा करता है, आप लगाते हैं तो भी फायदा करता है, बालों में लगाते हैं तो भी फायदा करता है। और इसकी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बन सकती हैं, हम इसका रायता बना सकते हैं, खाने में हम इसको यूज कर सकते हैं, और फेस पैक में तो इसका यूज करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, मॉइस्चर नहीं रह गया बिल्कुल भी, और उस चीज के लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कर्ड। तो योगर्ट को जो है अपनी लाइफ में हमें जरूर यूज करना चाहिए, चाहे वो खाने के लिए हो और या चाहे लगाने के लिए। खाने में डाइजेस्ट आपका अच्छा करती है, डाइजेशन आपका अच्छा रहता है, तो ऑब्वियसली भी इस पर ग्लो आएगा। सो उसी के लिए आज मैंने दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए। इंग्रेडिएंट नंबर 1 इज कॉफी एंड सेकेंड नंबर इज योगर्ट। तो दोनों चीजों को मिला के बनाना है हमें, हल्का सा मिक्सचर, और उसकी करनी है हल्की सी मसाज। तो चलो बनाते हैं, वो मिक्सचर रेडी करते हैं। मैंने लिया है ये कॉफी का पाउच, नेस्कैफे, जो कि मैंने काफी टाइम पहले भी इसको यूज किया था। तो चलो इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। बाउल में मैंने निकाल लिया है, और ये मैंने लिया है योगर्ट, एंड योगर्ट को इसमें कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा सा ज्यादा पतला हमें नहीं बनाना है, एंड इसको मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से, मिक्स कर लेना है पूरा, जब तक कि मैश नहीं हो जाता। इसको ऐसे रोल आउट करते रहें, रोल आउट करते रहें। एंड इसको आपको ये भी मैं बताती हूँ यूज कब करना है। तो चलो पहले इसका मिक्सर तैयार कर लेते हैं अच्छे से, एकदम स्मूथ मिक्सर जब तक ना हो जाए, इसको ऐसे रोल आउट करते रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बालों को जरूर बांध लें, क्योंकि बाल गंदे हो जाएंगे तो आपको वॉश करने पड़ेंगे, तो मेरे को वॉश नहीं करने है। तो सबसे पहले बालों को बैंड कर लेती हूँ। अगर आपके पास हेयर बैंड है, आपको आगे से गंदे नहीं करने हैं, तो आप यूज कर सकते हो, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए मैंने आगे हेयर बैंड नहीं लगाया। एंड अब ये मिक्सचर मेरा जो है आप देख सकते हो एकदम रेडी हो गया है। यार ये तो चॉकलेट वाला फ्लेवर आ गया है इसमें, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैपेचिनो में डालते हैं ना, उस टाइप का फ्लेवर इसमें लग रहा है। तो मेरा तो कैपेचिनो पीने का भी मन कर रहा है, बट अभी नहीं जा सकते हम कैपेचिनो पीने, सो सैड। तो अभी हम इसको हल्का सा अपने हाथ पे लेंगे। गाइस, आपके मेरा जो दही था थोड़ा हार्ड नहीं था, आप थोड़ा हार्ड वाला दही यूज करें, जो जमी होती है ना थिक वाली, वो वाली योगर्ट आप यूज करें, वो ज्यादा अच्छी रहती है। ये थोड़ा मेरा लिक्विड हो गया क्योंकि मैंने इसको काफी टाइम से रखा हुआ है, और ये मैंने खुद ही जमाया हुआ था घर पे। इसकी अच्छे से आपको मसाज करनी है अपने फेस पे,
और एक चीज और ध्यान रखिए, मसाज करने से पहले हमेशा सर्कुलर मोशन में करें, कभी भी ऐसे ऐसे मसाज नहीं करनी चाहिए वरना हमारी स्किन ऐसे ना डाउनफॉल लटक जाती है बुढ़ापे की तरह। अगर आपको ऐसी स्किन नहीं चाहिए तो प्लीज ऐसे मत करना, हर पार्ट पे फेस के हमें सर्कुलर मोशन पे ही ऐसे ही मसाज करनी है। आप ऐसे भले ही कर सकते हो, ये स्टेप आप जरूर याद रखें। अगर आपको रिंकल्स लाइन नहीं चाहिए होती हो तो आप डेली कुछ भी मॉइस्चराइजर लेके यहाँ पे मसाज कर सकते हैं ऐसे करके, तो आपकी रिंकल्स लाइन कम हो जाती है और हंसते वक्त आपका मेकअप भी खराब नहीं होता अगर आप मेकअप करते हैं, क्योंकि रिंकल लाइन किसी किसी को पसंद नहीं होती, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए एक्सरसाइज पूछते रहते हैं, तो उसी के लिए मैं ये बता रही हूँ। गाइस, सोने से पहले आप इस मसाज को जरूर करें, इससे किसकी शादी होने वाली है वो प्री ब्राइडल ले रही है पार्लर से कोई बात नहीं, बट आप ये भी यूज करेंगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। सीरियसली मैंने इसको यूज किया है अपनी शादी के टाइम पे, इसीलिए मैं आप लोगों को मैंने सोचा शेयर कर दूं। और मैं इसको सोने से पहले डेली यूज करती थी, मैं थिक वाला योगर्ट यूज करती थी, फिलहाल मेरे पास वो नहीं है, तो आप थिक वाला योगर्ट यूज करें एंड उसमें कॉफी को मिक्स करें, और इसकी 5 से 10 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट, अगर टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट इसका मसाज करें और उसके बाद आप इसको पोंछ ले, धो ले, फेस को वॉश कर लें, बट इसके बाद फेस वॉश यूज नहीं करना है। ध्यान रखना है, इसको यूज करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना है, फेस वॉश यूज नहीं करना। एंड उसके बाद अभी नहीं बताऊंगी, तो मिलते हैं इसको मसाज करके, मैं आती हूँ 5 मिनट में। गाइज, आप देख सकते हो मेरा फेस अभी मैंने पोंछा भी नहीं है, आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हो, मैं लाइट के साथ भी देख, आप ऐसा मत सोचते कि लाइट से ही रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, अभी मैंने लाइट नहीं ऑन किया है, सिर्फ साइड में एक लाइट जला हुआ है उसी से मैं वीडियो बना रही हूँ, आप ये ही लाइट सिर्फ है तो आप देख सकते हो, और मेरा टैटू भी बोल रहा है ये सीरियसली ग्लो आया है तो आप देख सकते हो। और गाइस ये बहुत अच्छा है, आप इसको 3 महीने तक यूज करें, कोई भी चीज आप जानते हो एक दिन में असर नहीं करती, आपको जब भी क्लास में पढ़ती हो तो पूरा साल देते हो ना, पूरा साल वही 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 रिपीट करके पढ़ देते हो, 10-12 तो चैप्टर होते हैं, 2 दिन में खत्म हो सकता है, बट नहीं हम पूरे साल में पढ़ते हैं, तो यार ये तो 3 ही महीने में, अगर ऐसा 3 महीने तक आप इसको रेगुलर यूज करो उसके बाद रिजल्ट शेयर करना, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है और बहुत अच्छा आपको लगेगा जब आपकी सब तारीफ करेंगे। सो गाइस, ऐसे ही अमेजिंग रेमेडीज के साथ मेरे लिए बने रहे हर वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।